السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد برادران الإسلام कल मैंने आपके सामने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आथारे मुबारका उनसे सहाबा बरकत हासिल किया करते थे, लेकिन ये उस वक़्त तक था जब तक आप बाहयात थे और आथार मौजूद थे। आपकी वफ़ात के बाद आथार जैसे जैसे ख़त्म होते गए तो अब दौरे हाज़िर में चूँकि जिन आथार के ताल्लुक से दावा किया जाता है उसकी कोई मुस्तरद दलील या हैसियत नहीं पाई जाती, तो इसलिए उनसे आथार उन आथार से तबर्रुक हासिल करना ये शरअन जायज़ नहीं है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो शरीयत इस्लामिया ने बयान की और जिनसे इंसान बरकत हासिल कर सकता है। उन बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ के इंसान को, मुसलमान को किसी आलिम या नेक आदमी की सोहबत मयस्सर आ जाए। कोई मुसलमान किसी आलिम की सोहबत में रहता है या नेक इंसान की सोहबत इख्तियार करता है, मुलाजमत पकड़ लेता है, तो उसके खैरात और बरकात इंसान को हासिल होते हैं। आप जानते हैं कि इल्म हासिल करना ये इंसान की ज़िंदगी के लिए इंतहाई मुबारक चीज़, बाबरकत चीज़, और ये उसी वक़्त मुमकिन है जब मुसलमान उलमा की सोहबत को इख्तियार करें। आप देखेंगे कि जिन लोगों ने भी इल्म हासिल किया वो उलमा की सोहबत इख्तियार करके उनके पास बैठ कर उनसे पढ़ कर अखलाक और आदात उनसे सीख कर उनको देख कर, इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में जलीलुल क़द्र सहाबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। सन 7 हिजरी में हिजरत करके आए, 3 साल तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में रहे। 3 साल के अरसे में क्या फवाइद, क्या बरकात उनकी ज़िंदगी में हासिल हुए। सबसे पहली चीज़ के हदीस के सबसे बड़े रावी, सबसे बड़े मुहद्दिस, जितनी हदीसें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत की उतनी हदीसें किसी और ने रिवायत नहीं की। ये किसकी बरकत है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत की बरकत। वो खुद फरमाते हैं, कहते हैं, कुंतु अल्जमु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मिल्इ बतनी, कि मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत को लाजिम पकड़े हुए था, इख्तियार किए हुए था, बावजूद इसके कि मेरे पास अपना पेट भरने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, भूखा प्यासा, लेकिन आपके साथ रहा और इल्म हासिल करता। वो खुद फरमाते हैं कि अंसार अपनी खेती बाड़ी में है और मुहाजिरीन अपनी तिजारतों में, मैं मिस्कीन, मेरे लिए कोई ठिकाना नहीं, सुफा के चबूतरे पर बैठता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते तो उनसे सीख कर इल्म हासिल करता। इतना शौक कि उस शौक की गवाही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद दी। एक मरतबा सवाल किया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से, पूछा
कि अल्लाह के नबी मन अहक्कुन नासी बिशफाअतिका यौमल क़ियामती या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामत के दिन आपकी शफाअत या सिफारिश का सबसे ज्यादा हकदार कौन है, आपकी सिफारिश किसको मिलेगी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अबू हुरैरा, मुझे पता था कि ये सवाल तुमसे पहले कोई और मुझसे नहीं करेगा, कोई और नहीं पूछेगा। लिमा रअईतु मिन हिर्सिका अलल हदीस, इसलिए कि मैं तुम में हदीस के लिए तड़प देखता हूं, शौक पाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गवाही दी कि शौक है, जज्बा है, तड़प है। उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़ियामत के दिन मेरी शफाअत का सबसे ज्यादा मुस्तहिक वो आदमी, वो शख्स जो सच्चे दिल के साथ, इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत की बरकत कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ दी, नेक लोगों की सोहबत में, उलमा की सोहबत में रहने की इंसान के लिए एक बरकत यह भी है कि कभी खुशी के मौके पर दुआएं दे देते हैं, उस बरकत में इंसान शामिल हो जाता है। और जब दुआएं इंसान को मिल जाती हैं, हासिल हो जाती हैं, तो इससे दुनिया और आखिरत की सआदत, खैरात और बरकात इंसान के नसीब में आते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा फरमाया कि मैं अबसुत रिदा, कि तुम में का कौन आदमी है जो अपनी चादर फैलाए। मैं दुआ कर रहा, मैं दुआ करना चाहता हूं, अपनी चादर फैलाओ। और एक रिवायत के अल्फाज ये भी हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अबू हुरैरा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे हदीस सुनता हूं लेकिन भूल जाता हूं, रहन में नहीं बैठती, मह हो जाती है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अबू हुरैरा अपनी चादर फैलाओ। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अपनी चादर फैलाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके लिए दुआ करते हैं। और दुआ की बरकत थी कि वो फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, मैंने अपना चादर, अपना दामन अपने सीने से लगाया। वो कहते हैं फमा नसीतु शैअन बादा, इसके बाद कभी मैं कोई चीज नहीं भूला, जो भी सुनता याद हो जाती। मेरे दोस्तों, ये नेक लोगों की सोहबत में, उलमा की सोहबत में रहने की बरकत है कि अगर वो दुआ कर दे, पता नहीं अल्लाह ताला उनकी कौन सी दुआ कबूल करता है, और उसकी वजह से इंसान की जिंदगी में बरकत आ जाती है। अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह ताला अनहु के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ दी। उम्मे सुलेम रजी अल्लाह ताला अनहा, अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर, छोटे से बच्चे थे, लेकर आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके खादिम हैं, आपकी खिदमत में मसरूफ हैं, आप इनके लिए दुआ करें। तो नबी अलैहिस्सलातु वसल्लम ने उनके लिए दुआ की। दुआ क्या की? नबी अलैहिस्सलातु वसल्लम ने कहा कि अल्लाह इनकी उम्र को तवील कर दे, लंबी उम्र अता फरमा, पहली दुआ दी। दूसरी दुआ दी नबी अलैहिस्सलातु वसल्लम ने कि अल्लाह इनके माल में बरकत अता फरमा, माल औलाद में इनके बरकत अता फरमा। तीसरी दुआ नबी अलैहिस्सलातु वसल्लम ने दी कि अल्लाह इनके गुनाहों को माफ फरमा दे। तीन दुआएं नबी अलैहिस्सलातु वसल्लम ने। अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलातु वसल्लम की जो दुआ थी, दो चीजें मैंने दुनिया में देख ली, दुनिया में हासिल कर ली, पा ली। तवील उम्र की आपने दुआ दी थी और मैं लंबी उम्र को पहुंच चुका हूं, इससे ज्यादा मुझे जीने की ख्वाहिश नहीं, तमन्ना नहीं। और दूसरी चीज माल और औलाद में बरकत दे। अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जितने अंसारी सहाबी हैं, उनके खेत में साल में एक मर्तबा फसल वो हासिल करते हैं, लेकिन मैं साल में
दो मर्तबा अनाज हासिल करता हूं, दो मर्तबा फसल पाता हूं, और अल्लाह ने मेरी औलाद में बरकत अता की, मेरी औलाद और मेरी औलाद के औलाद तकरीबन 100 से ज्यादा थी। अल्लाह ताला ने बरकत दी, कितने 100 से ज्यादा उनकी औलाद और उनकी औलाद के औलाद, उन्होंने अपनी जिंदगी में 100 से ज्यादा अपने बेटे और अपने पोते पोतियों को देखा। ये नबी अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत थी, और वो खुद कहते हैं फरमाते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि शायद कयामत के दिन अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ करेगा, मेरी मगफिरत फरमाएगा। तो इंसान नेक लोगों की सोहबत में रहता है, उलमा की सोहबत इख्तियार करता है, सबसे पहली चीज जो बरकत उसको हासिल होती है वो इल्म की शक्ल में, और दूसरी चीज इंसान की तरबियत होती है, उसके अखलाक संवरते हैं, उसके नफ्स का तज़किया होता है। आपने देखा होगा कि नेक लोगों की सोहबत में रहकर इंसान अल्लाह का जिक्र, कुरान का जिक्र, हदीस का जिक्र सुनता है, इस्लाम की बातें सुनने को इंसान को मिलती हैं। बुरे लोगों की सोहबत में रहेगा तो दुनियावी उमूर पे गुफ्तगू होती है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहिमहुल्ला जब खलीफा बनाए गए तो उनके खलीफा बनाए जाने की एक बरकत बयान की जाती है, कहा जाता है कि लोग एक दूसरे से मिलते उनके खलीफा बनने के बाद तो सवाल क्या करते हैं कि कुरान तुमने कितना याद किया, आज कुरान तुमने कितना पढ़ा, कितनी तुम्हारी नमाजें हुई, कितने इबादत और खैर के काम किए। मेरे दोस्तों, दुनिया भी अगर कोई खलीफा बनता है तो लोग सवाल करते हैं कि तुमने कितनी जायदाद खरीदी, कितनी दौलत बनाई, कितनी सवारियां तुम्हारे पास है। तो नेक लोगों की सोहबत इंसान पर असर डालती है, अपना असर छोड़ती है। तो इंसान बरकत हासिल करने के लिए नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करे। नबी अलैहिस्सलाम ने मिसाल दी, नेक लोगों की सोहबत में इंसान बैठता है या बुरे लोगों की सोहबत इख्तियार करता है, दोनों के लिए आपने मिसाल दी। नेक लोगों की सोहबत की मिसाल देते हुए फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम कि कोई आदमी नेक लोगों की सोहबत अपनाता है, इख्तियार करता है, उसकी मिसाल उस शख्स की तरह है जो इत्र फरोश की सोहबत इख्तियार करता है। इत्र बेचने वाला, उसके पास आप चले जाएं या तो वो आपको इत्र लगा देगा या तो कम से कम उसकी खुशबू से आप महरूम होंगे, खुशबू महसूस करेंगे। और बुरे लोगों की सोहबत की मिसाल नबी अलैहिस्सलाम ने दी, कहा कि किसी लोहार के पास आप चले जाएं, उसके पास बैठ जाएं, या तो तुम्हारा कपड़ा जल जाएगा, कपड़ा काला होगा, या नहीं तो उसके धुएं से तुमको तकलीफ महसूस होगी, तकलीफ पहुंचेगी। तो नेक लोगों की सोहबत इंसान इख्तियार करता है तो उसकी जिंदगी में उसका असर दिखाई देता है। यह बरकत हासिल करने का एक जरिया है जो शरीयत इस्लामिया ने बयान किया है। इसी तरीके से इंसान बरकत हासिल करने के लिए कुछ खिसाल, कुछ आदतें, कुछ काम ऐसे बयान किए कि जिनको इंसान अपनाता है, इख्तियार करता है तो उसकी जिंदगी में बरकत आएगी, खैर होगा। क्या काम? सबसे पहली चीज कि कोई आदमी मामलात में अपने सारे उमूर में सच्चाई को इख्तियार करे, सच बोलता है, झूठ से बचता है। तो सच बोलना, झूठ से बचना खैर और बरकत को पाने का एक बड़ा जरिया है। खैर और बरकत इंसान की जिंदगी में आएगी। हकीम इब्ने हजीम, हकीम इब्ने हिजाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल बय्यान बिल खियार मा लम यतफर्रका, कि दो आदमी खरीदते हैं, बेचते हैं, उनको बय फस करने का इख्तियार है, कब तक? जब तक के वो खरीद और फरोख करने के बाद अलग ना हो जाएं, जुदा ना हो जाएं, तब तक वो डील को कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने फरमाया, फइन सदका व बयना, अगर दोनों बेचने वाला भी खरीदने वाला भी सच्चाई को अपनाते हैं, सच्चाई को इख्तियार करते हैं, और अगर सामान में कोई ऐब है, कोई खराबी है, उसको बयान करता है,
उसका जिक्र करता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बूरी का लहुमा फी बैहिमा, अल्लाह उन दोनों की खरीद और फरोख्त में बरकत अता करेगा, खरीद और फरोख्त में बरकत देगा। वह इनका तमा, और अगर दोनों छुपाते हैं किसी चीज को और झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं छुपाते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुहिकत बरकतु बैहिमा, अल्लाह ताला उनके खरीदने और बेचने में जो बरकत है, जो खैर है, उसको खत्म कर देता है। मेरे दोस्तों, जब तक सच्चाई को अपनाए इख्तियार करे तो लोग उस पर एतमाद करते हैं, उसके पास आते हैं चीजें लेने के लिए। लेकिन आदमी झूठ बोलकर कारोबार करने लगता है, कसम खाने लगता है बात बात पर, तो लोगों का भरोसा उस पर से उड़ जाता है। कोई खरीदने वाला, कोई बेचने वाला उससे मामला करना पसंद नहीं करेगा। तो लिहाजा सच्चाई को अपनाना, इख्तियार करना अपनी जिंदगी में खैर बरकत लाने का एक बड़ा वरिया है। आप देखें नबी अलैहिस्सलाम को सादिक और अमीन कहा जाता था, और उम्मुल मोमिनीन खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी तिजारत आपके हवाले कर दी, आपके हवाले कर दी, महज इसलिए कि आप सच्चे हैं, आप अमानतदार हैं। आदमी अमीन होता है, सच्चा होता है, तो लोग उस पर एतमाद करते हैं और अल्लाह की तरफ से उसके जिंदगी में बरकत हासिल होती है। इसी तरीके से जिन चीजों में अल्लाह ताला ने खैर रखा है, बरकत रखी है, उनमें से एक चीज कि आदमी फजर के बाद फौरन अपने कारोबार का आगाज करे, फजर के बाद फौरन अपने काम शुरू करे, तो अल्लाह ताला उसके जिंदगी में बरकत अता करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है कि आपने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लि उम्मती फी बुकूरिहा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के उन कामों में बरकत अता करना जो फजर के फौरन बाद शुरू किए जाते हैं, अगर जिनका फजर के बाद फौरन होता है, अल्लाह उन कामों में तू बरकत अता करना। वो फरमाते हैं सहाबी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कोई लश्कर भेजना चाहते तो फजर के बाद फौरन भेजते, कोई काम करना चाहते तो फजर के बाद करते। क्यों? आपको पता था कि फौरन फजर के बाद अगर किसी काम का आगाज होता है, अल्लाह ताला उस काम में बरकत अता करता है। आज मुसलमानों के मामलात को आप देख लें कि मुसलमानों के मामलात हदीद के बरअक्स हो गए। फजर के बाद मुसलमान सोते हैं, कब तक? जब तक आधा दिन तकरीबन ख़त्म नहीं हो जाता, 11 बजे 12 बजे तक आराम करते हैं, उसके बाद उनका दिन शुरू होता है, उस दिन का आगाज होता है। मेरे दोस्तों, अगर मुसलमान शिकायत करते हैं कि उनकी जिंदगियों में बरकत नहीं है, उनके औकात में बरकत नहीं, माल में बरकत नहीं, और कुरान की तिलावत में बरकत नहीं, किसी भी चीज में बरकत नहीं है, तो मेरे दोस्तों बरकत कहाँ से आएगी? नबी अलैहिस्सलाम ने जो तरीका बताया था, जो उसलूब बरकत लाने के लिए, जो वसीला आपने बयान किया था, उस वसीले को हमने इख्तियार नहीं किया, नहीं अपनाया, तिजारत में कहाँ से बरकत आएगी, कामों में कहाँ से बरकत आएगी, औकात में बरकत कहाँ से हासिल होगी? अगर हमने नबी अलैहिस्सलाम के कहे हुए पर अमल किया होता तो हम अपनी जिंदगी में बरकत महसूस करते हैं, बरकत पाते हैं। तो इसलिए हमको चाहिए कि जो भी काम हम करना चाहते हैं, फजर के बाद अपने कामों का आगाज करें। और आप देख लें, कोई चीज पढ़ना चाहता है, खुसूसन कुरान मजीद की तिलावत अगर आप करना चाहते हैं, सबसे बेहतरीन वक्त फजर के बाद तिलावत कर लें। नमाज आपने अदा कर ली फजर की जमात के साथ, अल्लाह की हिफाजत में आ जाएंगे। और जो आदमी अल्लाह के हिफाजत में आए, क्या उसकी ज़िंदगी में बरकत नहीं होगी? क्या उसका पूरा दिन खैर से बरकत से खाली होगा? अल्लाह की हिफाजत में कोई मुसलमान आ जाता है फजर की नमाज पढ़कर, मेरे दोस्तों उसका पूरा दिन खैर और बरकत से खाली नहीं होगा। नमाज पढ़ लिया और अल्लाह के जिक्र में अपने आप को मसरूफ रख लिया, कुरान की तिलावत कर लिया, दो रकात नमाज इशराक की अदा कर लिया, कितनी खैर और कितना बरकत उसकी जिंदगी में, कितनी बरकत! आप गौर करें, सोचें। और कुरान मजीद याद करने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त जो बयान किया जाता है
कि फजर से पहले और फजर के बाद, फजर से पहले आप बेदार हो जाएं, तहज्जुद की नमाज पढ़ें, याद नहीं होती ये चीजें तो आप फजर से पहले याद करके तजुर्बा कर लें, देखें कि अल्लाह ताला आपके ज़हन को कैसे खोलता है, सीना खोल देता है और ये चीजें दिल में नक्श हो जाती है। तो बरकत हासिल करने के जो ज़राए शरीयत ने बयान की, अगर अपनी ज़िंदगी में बरकत लाना है तो शरीयत के बयान करदा वसाइल को हम इख्तियार करें, अपनी ज़िंदगी में लाएं, इसी से खैर और बरकत आएगी। रब करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को जो वसाइल शरीयत ने बयान किए हुसूल खैर और बरकत के लिए, उनको अपनाने और इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में खैर और बरकत अता फरमाए। अल्लाह जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पर अमल करने वाला बनाकर ज़िंदा रखे, और ख़ात्मा दे तो अल्लाह ताला ख़ात्मा बिलखैर फरमाए, जन्नत में जगा दे, जहन्नम और कब्र के अज़ाब से महफूज रखे। आमीन। व आख़िरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।